तो लग रहा है तेरे पे डालना नहीं स्मोक किया। गन भी नहीं देख, गन भी मत देख भाई, आईटी प्रेस को कुछ पता ही नहीं चल रहा। बहुत हार्ड लड़ने दे। केडिन केडिन स्पैम क्यों चल रहा है रे बाबा? ये वाला मैच थोड़ा लंबा चलेगा और बीच में जो भी थर्ड या फोर्थ फेज होगा उसमें दिक्कत आएगी। लाइव उसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कोई फाइट वगैरह नहीं होती बीच में, क्योंकि सोल का स्क्वाड पिकाडो लूट रहा है, आराम से चिल मार रहे हैं लोग। मॉडल इज विद हिज हिजार्ड सूट विंचेस्टर। कर्मा माइटी ने यहाँ पे आ गया ब्रोकन वॉल बिकॉज ये लोग जाने नहीं देंगे इतनी जल्दी वापस। डेवल्स यहाँ पे स्पॉटेड है, ये देखो झुका दिया यहाँ पे डेवल्स को, सिंगल टैप मिस कर दिया यहाँ पे ट्रांस ने। ओके बट डेवल्स वहाँ पे शायद ओके एक शॉट कनेक्टेड, ग्रिम्स वापस गया बट एक और शॉट कनेक्ट कर दिया वहाँ पे डेवल्स, तो यहाँ पे खत्म पूरा। बट अकेला ही था वहाँ पे हाइपर किड। ओके हाइड्रा डायनामो खत्म भाई। बेटे काका यहाँ से निकल नहीं पाएगा ये ब्रोकन वॉल से, पीछे गया तो भी एक शॉट का है वो। ग्रिम्स को फिर से पड़ी यहाँ पे इसके इसके शॉट, गॉडेज काका निकल गया इसी सेम टाइम पे। ऐसी अंडा में यहाँ पे आ रहे भी परितोष अनुवार भी नहीं हो, गरीबों ने यहाँ पे गॉडेल भगवान को नॉक करा एंड आई थिंक अब थोड़ी सी क्लोज रेंज फाइट होगी इनकी अच्छी खासी, कि अभी भी दूर ही है ये लोग आ गए क्लोज रेंज, क्लोज रेंज फाइट। असैसिन ने अवी को नॉक करा, ये वो घुस गया अंदर। गॉडेल प्रधान भी नॉक किया यहाँ पे, ईवो ने नॉक करा गॉडेल। असैसिन आया सामने से कवर फायर, पीछे से ईवो ने दिया एंड स्टेल्थ को ट्रेड करा यहाँ पे ईवो ने। ऊपर गरीबों ने रेव दे दिया अवी को, सो चारों प्लेयर यहाँ से जिंदा निकलेंगे गरीबों स्क्वाड के एंड एसएस ने उनका लाइन अप अनफॉर्चुनेट यहाँ पे एलाजर में खत्म। एंड रेड लेमन देखते हैं क्या कर पाएगा, पूरा स्क्वाड आया है, तीन बंदे हैं सामने, एक प्रिंस को शायद वो नॉक कर सकता था, लिटरली वन एच पी था वो वहाँ पे। सिनिस्टर को भी वन एच पी छोड़ा है बट यहाँ से बोस्ट से उसने मारा एम डी क्रेजी ने बोस्ट मोड M16A4। पूरा ब्रॉलर्स का स्क्वाड यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है ये टाइम पे, लगा मेरे को मॉडल है। ये देखो स्टेल्थ जाते ही मार देगा इसको इजी। और रे स्वयं ने नॉक करा था स्टेल्थ को बट ऊपर से कवर फायर आया गरीबों का। नाउ ही विल गो फॉर द रेव इजी पीजी, एक स्मोक बॉल फेंका वहाँ पे गरीबों ने, दो व्हीकल हैं इनके पास अभी भी। सोल के पास से यहाँ पे गॉडल कीकी ओपियन बीस्ट निकले क्रेटर क्रेटर फील्ड से। क्लोजर इनसाइड पटेल, ओके पटेल ने यहाँ पे नीचे नॉक करा था किसी को और मे भी फिनिश करा था। ग्रम्स नॉकड है मतलब काका अकेला बचा हुआ है इस पाम ट्री के पीछे। नाइस ग्रेनेड डैमेज पड़ा जितना भी हील करा था। गुरु ने यहाँ पे विशियस नॉकआउट को कार नहीं रेड का चाटा मारा है, ये तो इजी कर ले इनके लिए पटेल एंड स्मोकी के लिए। स्मोकी के पास तो इजीली इजी एंगल है एक तो खत्म काका भी खत्म। यहाँ पे क्रॉन्टन एंड इनके पास फाइट है। परितोष दिख रहा है सामने, मिस हुआ शॉट वो सिंगल टैप्स। परितोष को पढ़ रहे हैं सिंगल टैप पढ़ रहे हैं M4 के बट नियो वहाँ पे स्प्रे कर रहा है क्रॉन्टन को पड़ी, उसको हील करना पड़ेगा अब यहाँ पे। अगर थोड़ा सा ही पीक करा तो नियो को पता है कि वो कहाँ पे, बट वहाँ पे हाइड्रा का एक और स्क्वाड आ गया बिशमैन उनका स्क्वाड, नियो नॉकडाउन है, परितोष बचा हुआ अकेला प्रोन होके। हाइड्रा अल्फा का स्क्वाड आ गया ऊपर भाई, खत्म हो जाएगा परितोष, एक नॉक करा उसने
वन वी फोर क्लच इसमें तो नहीं हो पाता क्योंकि ओपन से आपके पास प्लेयर्स आ रहे हैं, सामने से वो लोग भी दिक्कत देंगे फॉर श्योर। ओए ओए सोल का स्क्वाड आ गया पीछे से, गॉडल के पीछे से निकल रहा है सोल का पूरा स्क्वाड। इनको आवाज़ तो आई होगी व्हीकल्स की, फनबुक जा तो रहा है देखने के लिए। वो अरे व्हीकल निकले सामने से, उन लोगों ने शायद वो कंपाउंड होल्ड करा है। विशेष ने यहाँ पे हाइड्रा गुरु को नॉक करा, पुश कर रहे हैं क्लोज रेंज फाइट, ग्रेनेड फेंक रहे फिर से। क्राटोस ने यहाँ पे गॉडल क्रॉन्टन को नॉक करा, स्काउट ने क्रॉन्टन को ग्रेनेड से भाई, नाइस। थर्ड पार्टी बॉयज कुल भी यहाँ पे शायद नॉकडाउन हो जाएंगे, पीछे से गरीबों का स्क्वाड मार रहा है, दो प्लेयर नॉकडाउन है यहाँ पे, बहुत प्यारा। स्टेल्थ ईवो एंड सारे वहाँ से एम4 का स्प्रे कर रहे हैं, सिर्फ स्टॉर्म नॉकआउट बचा हुआ है। जहाँ पे हाइड्रा गुरु का स्क्वाड दिक्कत में था, पीछे से गरीब और उनके स्क्वाड ने आके कवर फायर दिया उनको काइंड ऑफ ठीक है से, बट इन लोगों ने किल स्टील कर लिया। वो लोग निकल गए अपना काम करके वो पीछे से, या तो मेरे ख्याल से स्लैम इन करने की तो नहीं सोच रहे लोग। स्टॉर्म नॉकआउट के पास वहाँ पे हैरी वाइटी है, ये शायद से स्लैम इन करने वाले हैं मेरे को लग रहा है। पोलो को नॉकडाउन कराओ, हाइड्रा गुरु वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से मार रहा है पीक करके, ईवो यहाँ पे फ्लैंक कर रहा है राइट साइड से, हैरी वाइटी को नॉक करा पीछे से टीम केओ स्टॉर्म ने। हाइड्रा गुरु अकेला आ रहा था, तीन प्लेयर है यहाँ पे, पूरा फिनिश भी करा। स्क्रिप्ट वाइटी भी यहाँ पे सेम वही गलती कर रहा है जो हाइड्रा गुरु ने करी थी, ओपन में आ रहा था एंड तीन प्लेयर्स एंड नॉकआउट। और स्टॉर्म यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, अकेला तो नहीं है मेरे ख्याल से, क्रॉन्टन को फिनिश कर दिया बीस्ट अकेला यहाँ पे। अब यू कैन से स्काउट के पास फन बुक है, ओ उसके लिए डोर क्लोज हो गया। दलजीत देखता है कवर फायर देता नहीं देता, दलजीत को भी पूरा फिनिश कर यहाँ पे, पूरा स्क्वाड खत्म यहाँ पे, टीम आईएनडी स्काउट होगा एंड गॉडल फन बुक गॉट दिस क्लच फॉर हिज टीम। बीस्ट के की ओपी एंड क्रॉन्टन नॉकड है, बट स्टिल फन बुक इज क्लचिंग फॉर देम, 14 टीम्स अलाइव हैं इस मोमेंट में। नॉकआउट स्टॉर्म अकेला बचा हुआ था, उसको पूरा फिनिश करा है यहाँ पर। हाइड्रा ट्रिगर के पास यहाँ पे फाइट है, दो टीम आई है पीछे से, एक तो ये एमडीस क्रेजी का स्क्वाड पूरा पुश कर रहे हैं, वहाँ पे 8-bit का भी स्क्वाड क्लोज इन में आ चुका है। आईटी प्रिंस ने यहाँ पे हाइड्रा ट्रिगर को नॉक करा, पीछे दो प्लेयर और है बट आई डोंट थिंक सो दे कैन हेल्प देम। पीछे से किल स्टील करा यहाँ पे सोलो वेस ने विद M24। एट द सेम टाइम ऊपर भी फाइट चल रही है, फनबुक फिर से पूरा निपटा गया। किल फीड में देखना पड़ेगा कितने बंदे निपटाए इसने, या एक ही प्लेयर था ब्रो। ब्रो डोंट से मी कि पूरा स्क्वाड मारा, वहां पे सिर्फ शायद एक ही प्लेयर था। गॉडल अलादीन अकेला बचा हुआ है, फन बुक के पास चारों प्लेयर चढ़ेंगे हाइड्रा अल्फा के स्क्वाड के। सोल के पास पुश कर दिया, ओके पीछे से एक और स्क्वाड आ गया यहाँ पे, वाइपर को नॉक करा, आईटी कैरी और पूरा स्क्वाड आ गया, मॉडल को पीछे से मारा। द काइंड ऑफ थर्ड पार्टी स्लेयर अकेला बचा हुआ है, ओएस वाइपर सब खत्म, ऊपर से भी शॉट्स आ रहे हैं हर जगह से गोलियां पड़ी हैं। आवाज मत कर दे प्लेयर, हां स्मोक्स कर दे, ये उसकी बार भी कर दे, इधर भी कर दे, सब जगह कर दे। ये मॉर्टल की आवाज आ रही है लॉल, अबे सब जगह कर दे वरना उनको लगेगा कि और मॉर्टल की इन गेम सुनो स्ट्रेटजीज, मॉर्टल का आईजीएल सुनो जब तक स्लेयर जिंदा है।
बट स्लेयर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। अबे तो मैं तो स्प्रे भी दिया अबे शीबे ओहो बिश्मा निकल गया उसके पास से ब्रो, ये बाहर ही फाइट ले रहे हैं। बिश्मा को नॉक करा यहाँ पे आईटी प्रिंस ने भाई, इनका पूरा स्क्वाड खत्म। ऊपर से भी थर्ड पार्टी कर रहे हैं लोग। गरीबों का स्क्वाड ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुका है बट जोन तो नीचे है। स्लेयर अकेला यहाँ पे, आईटी प्रिंस है अंदर अकेला है, इतना डिफरेंस है बस। ये देखते हैं स्लेयर कितनी, उसको पता है नहीं है कि मेरे ख्याल से एक ही बंदा है इस कंपाउंड में। स्मोक बॉल तो खत्म हो गया बट ऊपर उनकी अलग ही फाइट चले। पहले ये 1v1 देख के चलता है कितनी देर में खत्म होता है। चुपचाप बैठा रहे, कुछ कर नहीं देना रहे तो लग रहा है तेरे पे डाला नहीं स्मोक किया। गन भी नहीं देख, गन भी मत देख भाई। आईटी प्रिंस को कुछ पता ही नहीं चल रहा। मेरे को तो बस देखना है कि ये कैसे मारेगा इनको। तीन चार पूरा स्क्वाड है ऊपर, देखते हैं स्ट्रेल्थ और ये लोग कैसे लड़ रहे हैं। टीएनटी आश को नॉक कर रहे हैं एम4 स्प्रे से। मैड डॉग अकेला बचा हुआ है शायद, मैड डॉग अकेला बचा हुआ है। अब मैड डॉग खत्म, मेड बेट माफिया ने यहाँ पे खत्म करा। एंड स्लेयर अभी भी नीचे है, वो ऊपर नीचे वाले प्लेयर्स ऊपर फाइट ले रहे हैं। एमडी इज क्रेजी एंड वो लोग बॉय बॉय। स्मोकी ओपी अभी भी बाहर डैमेज खा रहे हैं। एट बेट एश राइजर वो लोग अभी भी रेड से नीचे आएंगे जोन में आने के लिए। अबे स्ट्रेल्थ खत्म, खेल नहीं रहा तू, ये लोग खत्म, सारे खत्म, सारे सिनिस्टर भी शायद वो खत्म हो गया शायद से। स्लेयर चार टीमें बची हुई हैं। तीन टीम बची हुई हैं, पूरा स्क्वाड है यहाँ पे नीचे। एमडी इज क्रेजी का स्मोकी ओपी जोन से खत्म। दो प्लेयर ऊपर बचे हुए हैं, ये डायनामो और उनके स्क्वाड के, राइजर एंड नैश। M4 का स्प्रे 4x के साथ वो लोग जोन में नहीं है अभी। एडबिट और राइजर एंड एश है डांस कर रहा है। लॉल इजी पीजी 4v2 बॉयज। एडबिट आश को यहाँ पे डाक पड़ा है, राइजर को भी डाक पड़ रहा है। राइजर गॉट नॉक्ड एंड द ओनली पर्सन हु इज अलाइव इन दिस स्क्वाड इज एडबिट आश। बट डायनेमो मस्ट बी हैप्पी कि उसका स्क्वाड यहाँ पे सेकंड पोजीशन में आ गया। ओ खत्म, पूरा मैच खत्म। ओ दैट वाज अ गुड मैच, मजा आ गया यार वाले मैच में सच में। MD is crazy and उनके स्क्वाड के यहाँ पे 11+4 15+3 18 kills हैं यहाँ पे। 18 kills चिकन डिनर एट बेट एश गॉट 1, हाइड्रा डायनेमो गॉट 0 kills, ड्रिगर गॉट 0, एट बेट राइजर गॉट 2, सो इन टोटल 3 kills दे हैव गॉट। बट हैशटैग 2 पोजिशन इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स फॉर देम। 3 kills तो 3 points और जोड़ लो, बट जो सेकेंड के जो पॉइंट मिलेंगे वो किसी और के पास जितने भी कर लो उससे ज़्यादा मैटर करते हैं। INS Smokey OP के यहाँ पे 3 kill है, पटेल का 1 kill है, मजक के 0, बर्न्स के 0, सो इन टोटल दे गॉट 4 विद थर्ड पोजीशन। गरीबों एंड देयर लाइनअप गॉट डिसेंट किल्स है, 19 kills विद हैशटैग 4 पोजीशन। सो GG's टू गरीबों एंड देयर स्क्वाड अवी स्ट्रेल्थ गरीबों एंड ईवो।
अभी का सिर्फ चार किल थे, बाकी सबके पांच पांच किल्स. एडबर्ट थगन देयर स्क्वाड गॉट फिफ्थ पोजीशन. एडबर्ट माफिया गॉट ओनली वन किल उनके स्क्वाड में से. लास्ट टाइम भी ये लोग शायद टॉप फाइव में थे आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सोल ओवेस वाइपर स्लेयर एंड मॉडल गॉट वन किल, वो भी स्लेयर का था एंड फिफ्थ सिक्स पोजिशन. बट ये भी उन लोगों को लाइक जब तक स्लेयर छुपा रहा तब तक मिले, सो दैट वॉज ऑल्सो अ नाइस मूव बाय स्लेयर कि वो छुपा रहा बस, क्योंकि और दो स्क्वाड ऊपर मर चुके थे तो और दो रैंक ऊपर आए ये लोग एट दी एंड. एंड बाकी ये स्क्वाड आपको मैं दिखा देता हूँ फॉलोइंग में, देख लो कितने कितने किल्स है. हाइड्रा अल्फा इनके भी अच्छे किल्स है, 5+2, 7+3, 10 किल्स इनके भी थे फिर 10th पोजिशन. नाइस. सो स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ बॉयज़ आपके लिए, देख लो आपकी फेवरेट आपके फेवरेट स्ट्रीमर्स की पोजिशंस. एंड इस बार देखते हैं फर्स्ट में कौन मरा था. सबसे पहला मरा था एलीएफ, ओके कॉस्मिक एंड उसका लाइन, उसका लाइन मरा था.